देखो तो अपन क्या बात कर रहे थे कि ये बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी, ये तो मैंने बिटकॉइन का लगा रखा है लर्निंग पर्पज़ से। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूँ, किसी व्यक्ति को ट्रेड लेने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। किसी प्रकार का मेरे द्वारा ट्रेड सिग्नल नहीं दिया जाता, ये आप लोग ध्यान रखें। तो मैंने आप लर्निंग पर्पज़ से मैंने बिटकॉइन का ये चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखिए मैं क्या बता रहा था कि बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा था कि बैंक निफ्टी का जो नॉर्मल एक कैंडल का मूवमेंट होता है वो हमारा 40, 50 और 60 पॉइंट का मूवमेंट होता है। नॉर्मल नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अभी आजकल ऐसे आप मत बोलने लग जाना कि सर वो तो ज़्यादा होता है ये वो। हाँ ज़्यादा होता है, उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जब इस तरह की मूवमेंट होती है अपना, ये वन वे ऊपर जाता है ना मार्केट, तो फिर वहाँ पे बैंक निफ्टी की एक कैंडल लगभग लगभग कई बार 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, कभी कभी तो 200-250 पॉइंट की भी एक कैंडल बन जाती है। वो वन वे होता है, वो मॉर्निंग सेशन में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 150 पॉइंट तक का ये मूवमेंट होता है। अब यही बात अगर बैंक निफ्टी के प्रीमियम की बात की जाए तो प्रीमियम हमारा जो होता है, प्रीमियम की कैंडल बनती है 20, 30 और 40। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब इस तरह का वन वे मूवमेंट मिलता है तो एक कैंडल लगभग आपकी, एक कैंडल ही आपकी 80 पॉइंट की बन जाती है, जब ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये मान के चलो आप 70, 80 और 100 पॉइंट की बनती है हमारी प्रीमियम की भी। कल मैंने एक उसका देखा था, 44,500 का कॉल मैंने बाय किया था 163 पे, ठीक है। तो जैसे बाय किया तो पहली कैंडल ने मारा तो वो लगभग 178 तक गया था। 178 के बाद दूसरी कैंडल ने जो उछाल मारा वो गया था 250 समथिंग। अब सोचो आप इतना मूवमेंट होता है, ठीक है ना। और तीसरी कैंडल ने मारा तो 325 क्रॉस कर दिया था। तो ऐसे होता है बैंक निफ्टी का मूवमेंट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, आपको ये बता रहा था कि ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है लोगों के साथ, कि जैसे यहाँ पे मान लो इनसाइड कैंडल में यहाँ पे ट्रेड मार दिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप बिटकॉइन के चार्ट पे क्यों बता रहे हो। भैया आज मेरी बिटकॉइन के चार्ट पे बताने की इच्छा है। टेक्निकल तो सबका सेम ही रहता है, आप देख लो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा रखा है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दूंगा तो उसमें भी आपको ऐसे ही कई जगह देखने को मिल जाएगा। मैं तो ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ किया इसके नीचे या इसके ऊपर, हमें क्या दिखना चाहिए, इनसाइड कैंडल दिखना चाहिए। इनसाइड कैंडल दिखी, इनसाइड कैंडल ने जैसे इसके हाई को, जैसे इसके हाई को ब्रेक किया, हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी कर सकते हैं। टेक्निकल चीज़ें जो है सब सेम रहती हैं। हाँ ये है कि अगर आप बिटकॉइन या इसमें कुछ ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एनालिसिस ये लगेगा कि उसके नेचर को समझना पड़ेगा कि उसका नेचर कैसा है। जैसे बैंक निफ्टी के नेचर की बात करें तो वो लगभग लगभग मुझे पता रहता है कि क्या मूवमेंट होने वाला है। नेचर इन द सेंस कि एक कैंडल कितना मूवमेंट करती है, पर डे का इसका मूवमेंट कितना होता है, वीकली मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले आप लोगों को बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था टेक्निकल एनालिसिस में ये जो फ्लक्चुएशन होता है। बहुत सारे लोग जैसे मान लो मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्रेड मार दिया, यहाँ पे ट्रेड मारने के बाद क्या होगा, आपने यहाँ पे ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है, छोटा सा ये कैंडल दिख रहा है लेकिन इसकी विक देखिए यहाँ तक मारा। अब आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है अगर, और ये नीचे तक आया कैंडल, तो आप इतने में ही पता चले डर के मारे भाग जाओगे। ऐसा नहीं करना आपको, आप पहले से ही आपका एसएल पॉइंट डिसाइड करके रखो कि मुझे एसएल पॉइंट कहाँ पे रखना है। उसके लिए सादा सिंपल चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर कॉल बाय कर रहे हो तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ये जो मैंने टूल ये बताया आपको, अगर कॉल बाय कर रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करके, और जहाँ पे आप बाय कर रहे हो यहाँ पे क्लिक कर दो। ये क्लिक कर दोगे तो ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि हमें एसएल पॉइंट कहाँ रखना है और एसएल टारगेट कहाँ तक ले जाना है। तो आप आपके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब मुझे टारगेट मान लो यहाँ तक का रखना है,
तो ये लो भैया मैंने यहाँ तक खींच दिया और मैंने SL के लिए भी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये देखिए ये मैंने SL पॉइंट रख दिया। SL पॉइंट क्या रखा, ये जो कैंडल बनी हुई है इसी का लो पॉइंट या थोड़ा सा और नीचे खींच सकते हैं, ज़्यादा नहीं 5-10 पॉइंट खींचना, ठीक है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम में वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और एक कैंडल ये यहाँ पे बनी, पहले ये ग्रीन यहाँ पे अभी दिख रही है क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। क्लोज होने के बाद आपको दिख रहा है, क्लियरली व्यू आपको मिल रहा है कि हाँ ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन जब ये कैंडल रनिंग में रही होगी तब तो ये रेड बनी रही होगी, ठीक है। रेड बन के जब नीचे तक गई तो आपकी यहाँ पे, आपने अगर ट्रेड मारा है तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नब्ज थोड़ा ढीली पड़ेगी, आपको लगेगा कि हो सकता है कि नीचे साइड मार दे। अरे नीचे साइड क्यों मार दे, आपने तो पहले ही डिसाइड करके रखा है ना कि SL मुझे यहाँ तक कर लेना है, फिर क्यों डर रहे हो। तो SL पॉइंट तक आने तक का तो वेट करो, ठीक है। अब वो SL पॉइंट तक नहीं आया, वापस चला गया और नेक्स्ट कैंडल ने जैसे यहाँ तक हाई मारा, अब चलो ठीक है कोई अगर यहाँ पे बना भी रहा तो वो क्या करेगा, यहाँ तक एक कैंडल का नेचर होता है, जैसे आप देखो ये कैंडल बन रहा है ग्रीन, ये जा रहा है, आप देखो यहीं पे लाइव कैंडल में आप देख लो कि आप देखो ये ग्रीन कैंडल जा रहा है, आपने मान लो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, लाइव एग्जांपल देखो आप। तो इसलिए बिटकॉइन में आज मैंने सोचा कि बिटकॉइन में करते हैं अपन रिकॉर्डिंग, तो अच्छा रहेगा। देखो अब इन सारी चीज़ों को हटा के मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। अब मान लो आपने इस कैंडल में ट्रेड मारा है ना, इसके हाई को जैसे ही ब्रेक किया आपने यहाँ पे ट्रेड मार दिया नेक्स्ट कैंडल में, अब ये वाला कैंडल यहाँ तक नीचे तक आया, आपका क्या लगेगा कि ये कहीं लॉस ना कर जाए। अब आप पूछोगे कि भैया इस पर हम SL क्या रखेंगे, तो हमारा SL पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, यहाँ तक हमारा SL पॉइंट रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप इसको देखने के लिए आप ये वाला टूल लॉन्ग टूल सेलेक्ट करो और यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने पे आप SL पॉइंट उठा के यहाँ पे रख लो। अब ये रख लिया, अब इसके लिए हम टारगेट कैसे डिसाइड कर रहेंगे, ये टारगेट थोड़ा सा इसको छोटा हो गया, क्या एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, टारगेट हमने ऊपर रख दिया है अपने लिए, हमने ट्रेड यहाँ पे मार दिया है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पे हमने अपना टारगेट जो है ऊपर यहाँ तक का रख दिया है। अब लाइव सेशन में देखो कि यहाँ तक जाता है कि नहीं। अब यहाँ तक क्यों रखा, ये भी रीजन आप लोग चाहो तो पूछ सकते हो क्यों रखा भैया, क्योंकि देखो इसकी लेंथ देखो आप, ये 26871 पे है और हमने SL लिया 26796, है ना। तो कितने पॉइंट का SL हो गया हमारा, SL के अकॉर्डिंग 1:1.5 कुल मिला के, मैं ये बताना चाह रहा हूँ 1.5 या 1:2 का रख लो आप स्टार्टिंग में, सॉरी 20 लिखा गया, स्टार्टिंग में 1:2 का टारगेट आप लेके चलो। अगर इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो फिर आप टारगेट को जो है और बड़ा भी कर सकते हो, या कि आप जैसे यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, अब ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आप देख रहे हो कि मार्केट अपसाइड ही जा रहा है और हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपके SL को उठा के ऊपर रखते जाओ। ये सेम चीज़ मैंने एक दिन और आप लोगों को बताई थी कि SL को आप ट्रेल करना सीखो। ट्रेल कैसे करोगे भैया, अब देखो क्या करोगे, पहले हमारा SL यहाँ पे था, ठीक है, हमने SL यहाँ पे रखा था, अब हमारा SL उठा के हम ये ऊपर चल रहा है, ये हमने टारगेट यहाँ पे लगा रखा है, ऊपर चल रहा है, ठीक। अब ऊपर चल रहा है तो हमारा SL पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, अगर ये वाली कैंडल जो रनिंग कैंडल चल रही है, ये कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक कर देता है तो हमारा यहाँ पे SL हो जाएगा। सीधी सी बात, कुछ नहीं करना है, फंडा क्लियर है। आपका SL जो यहाँ पे था, अब आप उसको उठा के यहाँ पे रख रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने ट्रेड यहाँ पे मारा है, यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट अभी हो रहा है, लेकिन आप लॉस पे तो नहीं निकलेंगे, प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो आपने क्या करा उसको कि आपने SL पॉइंट जो था आपने यहाँ पे लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि ये जो रनिंग कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके ये प्रीवियस कैंडल जो है इसके लो को अगर ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पे एग्जिट पक्का बनता है, तब भी हम यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट में ही रहेंगे। हाँ ये अलग बात है कि प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हमने SL पॉइंट यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा भैया, अगर मान लीजिए ये वाली कैंडल अभी कंप्लीट होने में 3 मिनट अभी बाकी है, 3 मिनट का टाइम है, ये कैंडल अगर यहाँ तक मार देती है फॉर एग्जाम्पल,
तो फिर हमारा एसएल जो है अंगली कैंडल जो इसके ऊपर बनेगी उसका एसएल पॉइंट ये हो जाएगा। कुल मिला के कैंडल बाय कैंडल आप आपका एसएल पॉइंट ट्रेल करते जाओ, ऊपर करते जाओ, तो आपका उससे क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा, पहली चीज़ ये। और आप जो ये प्रॉफिट हो रहा है कंटिन्यू प्रॉफिट में बने रहोगे। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे साथ भी कई बार पहले तो हमेशा होता था, लेकिन अभी भी कई बार हो जाता है, जब ज़्यादा लॉट में मार देता हूँ तो हो जाता है ऐसा। तो स्टार्टिंग में आप ज़्यादा लॉट मत मारना, जिस दिन ज़्यादा लॉट मारता हूँ उस दिन, जैसे अभी एक कैंडल ने यहाँ तक मारा तो हो सकता कि मैं यहाँ पर निकल जाऊँ, ठीक, क्योंकि मुझे जब ज़्यादा लॉट रहेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक का मुझे क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा। हाँ, जब लॉट साइज कम रहेगा ना तब आप इसके ऊपर जाने की भी कोशिश करोगे, आप शांति से बैठे रहोगे क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉफिट कम दिख रहा है, ठीक है ना। एक तो प्रॉफिट कम दिख रहा है, दूसरा आपके मन में ये भी चल रहा है कि अगर नीचे आया भी तो कितना नीचे आएगा, मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होना है, ठीक है, इसलिए आप बैठे रहते हो। अब समस्या कहाँ आती है, जब आप ज़्यादा लॉट मार देते हो तब आप ना तो लॉस पे रुक सकते हो और ना ही प्रॉफिट पे। तो अगर आप ज़्यादा लॉट साइज मार रहे हो तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहो कि या आपने जो टारगेट सेट किया है यहाँ तक तो आपको रुकना ही है, बस आपको उसमें करना क्या है, ये ट्रेल करते जाना है, आप एसएल पॉइंट को ट्रेल करते जाओ। अब देखो हमने जो अभी यहाँ पे एसएल और टारगेट यहाँ पे फिक्स किया है, अब देखना ये है कि यहाँ तक जाता है कि नहीं जाता है। जस्ट यहाँ पे हो सकता है कि 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए वहाँ तक जाने में, देखते हैं क्या होता है। टेक्निकल सारी चीज़ें सेम होती हैं सब, कोई भी आप वो देखो चार्ट उसमें। अब ये है कि अपने को ये एकदम लाइव एग्जांपल मिल रहा है, ठीक है, तो इतना देर तक तो वेट नहीं कर सकते अपन, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप बोलोगे कि वीडियो में जो बताना था वो तो बता दिया, अब ये लाइव क्या दिखा रहा है, वो भी बिटकॉइन का, क्या बोलते हो। ये कैंडल का अपन वेट कर लेते हैं, इसके बाद में रिकॉर्डिंग बंद करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, वो होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है। देखिए कंटिन्यू वो कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, और ऐसे ही सेम टू सेम ये मान के चलिए कि जैसे ही अभी बिटकॉइन में ये कैंडल आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रही है ना, तो वैसे ही हमारी बैंक निफ्टी में भी होती है, ऊपर नीचे कैंडल होती है और हम वहीं पे घबरा के एग्जिट कर देते हैं। प्रॉफिट में रहते हैं ना तो और जल्दी एग्जिट करते हैं, लॉस में कई बार क्या होता है बने रहते हैं, शायद ऊपर जाए, शायद ऊपर जाए। अरे भैया जब ऊपर जा रहा है तब शांति बनाओ ना, शांति से बैठो चुपचाप, क्योंकि आपने ट्रेड यहाँ पे मारा है, अगर आपने इनसाइड कैंडल में ट्रेड मार दिया है और ये कंटिन्यूसली कैंडल्स अपसाइड जा रही है तो चुपचाप शांति से बैठो। ये देखो मज़ा आया कि नहीं आया देख के, देखो अभी और देखो, मैंने तो खाली 1:2 का लगाया यहाँ पे, आप इसका वो देखोगे तो 1:2 का यहाँ पे हो रहा है टारगेट, इसके ऊपर भी जाएगा। अब देखो अब इस कैंडल ने यहाँ तक खींचा, ठीक है, यहाँ तक खींचा। अब यहाँ पे खींचने के बाद क्या होगा, आप ये थोड़ा सा नीचे आया ना तो बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, ये नीचे इसको क्या कर देंगे कि जैसे नीचे आएगा यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब भैया बताओ, कमेंट करो ज़रा कि अपना एसएल पॉइंट क्या रहेगा, हमने एसएल पॉइंट कहाँ पे रख दिया होगा, हमने एसएल पॉइंट, अरे बाप रे इस तरह होता बिटकॉइन, अरे बाप रे वाह यार, एक दिन में करोड़पति बन जाओ तो ऐसे में तो हैं। और आप यहाँ पे एक चीज़ ये देखना कि हमारा जो सेटअप है इनसाइड कैंडल का वो कैसे काम करता है, कितना बेहतरीन काम करता है। आप देखो लाइव एग्जांपल चल रहा है, हमने ट्रेड यहाँ पे मारा है ये इनसाइड कैंडल पे, और ये देखो मूवमेंट देखो आप, और ये भी अभी हमारा टारगेट, एक बार ये भी देखो कि हमारा टारगेट जो हमने बनाया था वो टारगेट भी हिट हो चुका है ना, टारगेट हमारा हिट हो चुका है। अब इसके ऊपर जितना ज़्यादा जाता जाए उतना हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर बढ़ाना चाहो ऊपर बढ़ा सकते हो, आप एक काम और कर सकते हो, जब आप यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट हो रहा है ना तो आप चाहो तो आपका जो एसएल पॉइंट है इसके नीचे न लगा के यहाँ पे भी लगा सकते हो। पूछो क्यों भैया, अभी तो आप बता रहे थे इसके नीचे लगाने के लिए,
लेकिन इसके ऊपर क्यों बता रहे हो? उसका रीज़न ये है कि जब आपको ये लंबी कैंडल बनती दिखाई दे रही है, बनती हुई दिखाई दे रही है, और नीचे देखो विक भी नहीं निकली है, तो मे बी पॉसिबल कि ये यहाँ यहाँ से नीचे भी मार जाए, तो या तो यहाँ पे लगा लो या कि यहाँ पे लगा लो। अब इससे नीचे आपका प्रॉफिट लेके मत आना, कहने का मतलब ये है। ऊपर जा रहा है, जाने दो, ये कैंडल बन जाने दो एक बार, फिर नेक्स्ट कैंडल कैसे बनती है, वो इतने ही बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है या कि छोटी कैंडल बनती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा एसएल पॉइंट। अभी देखो ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ अब यहाँ नीचे अपना एसएल लगाओगे? जाने दो, जितना ज़्यादा जा रहा है खींचने दो। इसके ऊपर अगली जो कैंडल बनेगी उस पर बताऊँगा कि हमारा एसएल पॉइंट जो है ट्रेल कहाँ पे हो, मतलब हम इसको ट्रेल करके कहाँ पे लेके जाएंगे। तो एसएल पॉइंट तो हट गया, आपको ट्रेलिंग चल रहा है, ठीक है? तो ट्रेलिंग को हम कहाँ तक इसको ट्रेल करते जाएंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे, चलने दो। अभी देखते हैं, अभी ये कैंडल कंप्लीट होने में 2 मिनट 15 सेकंड का टाइम है। चलो आज लाइव में यही सीखो, मज़ा आएगा। अभी तो आप लोगों को और मज़ा आने वाला है कि हमारा जो मार्केट है, ऐसी खबर है कि दो न्यूज़ थी एक दिन, मैंने वो न्यूज़ में देखा था कि मे बी पॉसिबल 11:55 तक मार्केट ओपन रहे, और अगर 11:55 तक नहीं होता, सीएनबीसी आवाज़ की एक न्यूज़ भी देखी थी मैंने, उस पर बता रहे थे कि हमारा जो मार्केट है सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक तो खुला ही रहेगा, बीच में क्लोज रहेगा, 6 बजे से फिर चालू होगा, 6 से 9 बजे तक के लिए, ठीक है? तो 6 से 9 बजे तक चालू रहेगा। तो जो हम अभी बिटकॉइन का ये यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो वो हम फिर बैंक निफ्टी में देखेंगे और नाइट में ही ट्रेडिंग करेंगे। मे बी पॉसिबल कि उस टाइम मैं यूट्यूब में भी लाइव रहूँ और अपने गूगल मीट में तो रहूँगा ही, जो हमारे साथ में ट्रेडिंग करना चाहेंगे, जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जो बीच में मतलब हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं, तो वो लाइव ट्रेडिंग भी करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करिए ज़रा कि क्या है क्या नहीं है ये, आप मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए कि ट्रेड में बने रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में वीडियो आप लोग आगे बढ़ाइएगा। श्री राम जय जय। शिंदे जी बात कर सकते हैं, दिनेश जी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग तो चलती रहेगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अपने को। अरे करते हैं, नहीं करते हैं, आप तो लाइव सेशन देखो यार सर। अच्छा तो है, करता नहीं हूँ, जस्ट ये मैंने कल भी यही चार्ट ओपन करके रखा था, आपको दिखा रहा था। हाँ वही तो, कि ये भी अच्छा ऑप्शन है। और देखो अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है वो यहाँ पे भी काम कर रहा है, मैं जस्ट इसको वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो अपना टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंट मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, हमारा जो सेटअप है वो इसमें भी बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं खाली वो अभी चेक कर रहा हूँ, फिर सोच तो रहा हूँ मैं इसमें भी बिटकॉइन में भी करने के लिए। हाँ दिनेश जी बोले, क्या बोल रहे हैं? आपने कोई ऐप इंस्टॉल कर रखा है क्या? अच्छा नहीं, मुझे ये देखना है अभी थोड़ा सा, ये सिर्फ अभी चार्ट वॉच पे लगा रखा है, चार्ट पे थोड़ा कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाएं, उसके बाद में ऐप भी मिल जाएंगे। ऐप तो मैंने सर्च किए थे, 2-4 ऐप हैं अच्छे, तो ऐप भी मिल जाएगा और अपने को सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस ये अपना जो टेक्निकल है वो यहाँ पे बराबर काम कर रहा कि नहीं कर रहा वो देखना है। अरे शिंदे जी ऐप के लिए क्या है, यहाँ पे टाइप करो एप्स फॉर
ये लो, ये आ गया है। मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, बजीरेक्स, क्योंकि इसका किसी ने बताया था बजीरेक्स का, और ये किसी ने सजेस्ट किया था मतलब रेफरल के लिए, तो अभी इसको इंस्टॉल किया नहीं है, देखते हैं कैसा क्या है, क्योंकि अच्छा मैं जल्दी किसी पे उसे भरोसा करता नहीं हूँ ना। इनका तो ऐसा भी बताया था उनने कि इस पे शायद कुछ आप फर्स्ट एड लोगे, पैसे ऐड करोगे तो कुछ ये USD वो देंगे, मतलब वो देते ना कूपन देते हैं, तो ये USD का कूपन भी देंगे। हाँ बताइए शिंदे जी, अभी आप यहाँ पे निकलोगे कि बने रहोगे ट्रेड में, ये बताओ। टाइम बचा है 1 मिनट 56 सेकंड, 55 सेकंड, 2 मिनट का टाइम मान लो। आप तो यहाँ पे निकलने का बोल रहे हैं, मैं तो इतने में यहाँ पे निकलता, मतलब मैं ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ भैया, अपना प्रॉफिट क्यों कमाऊँ। ज़्यादा होगा तो अगर ये इनसाइड कैंडल फिर से बनाएगा तो मैं फिर से भी घुस जाऊँगा, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट कम नहीं करूँगा, मैं यहीं पे निकल जाऊँगा। थोड़ा बहुत रूल मैं भी ब्रेक करता हूँ शिंदे जी। नहीं मतलब रुको, लेकिन लेकिन क्या है ना, कैंडल देख के आपको समझ में आ जाता है। अभी देखो ये कैंडल अलग ही देख के समझ में आ रही है ना कि क्या करने वाला है, ये क्या कर सकता है। हाँ तो वो बता देता है कि वो क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। अब देखो ये क्या करेगा कि यहाँ तक अभी देखो 52 सेकंड का टाइम है, या तो थोड़ा और नीचे खींचेगा, या कि वापस अगर खींच के लाएगा तो यहाँ तक आएगा। मे भी पॉसिबल कि अगली कैंडल जैसे ही, आप देखो जब अगली कैंडल स्टार्ट होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैंडल क्या बनेगी। देखना टाइम, बस देखना ये टाइम, जैसे ही वो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना मैं बता दूंगा कि क्या बनेगी, वो क्या करने वाला है। मजा आएगा शिंदे जी, रात को सेशन चालू करवाओ आप तो। अरे हमारा एक दोस्त है, आपको बताया था ना एक दिन, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ यार पहले। हाँ